सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डेमन सब लोगों की एनर्जी एजो करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर यून फेन ने सब लोगों को बचा लिया था और केओस मॉन्यूमेंट की एनर्जी एजो करके अपने पावर बढ़ा ली थी। यून फेन ने अपने केओस फॉर्मेशन की मदद से डेमन को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। यून फेन की पावर देखकर सब डर गए थे और उस पर अटैक नहीं कर रहे थे। यून फेन वैली में रुक रहा था, इसीलिए सब लोग उसे मारने के लिए वैली में रुक गए थे। यून लोंग ने यून फेन को उस पर होने वाले अटैक के बारे में बता दिया, इसीलिए यून फेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आय की प्लानिंग कर रहा था। फिर अब हम जुई को देखते हैं, उसका कल्टीवेशन लेवल काफी बढ़ गया था और नेसेंट सोल रियल में पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी, जिस वजह से वह हेवनली ट्रिबुलेशन एक्टिवेट हो गया था। जुई अपने आय से लोटस की मदद से लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करती है, पर ट्रिबुलेशन आसानी से उसके आइस लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। जुई अपनी आइस ब्लेड्स का यूज करके लाइटनिंग अटैक से बचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानी होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और डटकर लाइटनिंग का मुकाबला करती है। यून फेन जुई से कहता है कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए ट्रिबुलेशन के अटैक को सेंड करना होगा, जिसके बाद ही तुम ब्रेक थ्रू करके नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच पाओगी। तभी जुई पर पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से जुई नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच जाती है और एक पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लाइटनिंग स्ट्राइक और ब्रेक थ्रू की वजह से जुई की एनर्जी खत्म हो जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो तेजी से जमीन पर गिरने लगती है। मगर यून फेन तेजी से जाकर जुई को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर लेकर आता है। वो उसे एक हीलिंग पिल खिला देता है तो जुई बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है, ताकि उसकी फाउंडेशन स्टेबल हो सके। कुछ वक्त में उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। वो चेन जुई को नेसेंट सोल रियल्म में जाने की बधाई देता है। जुई कहती है कि तुमने कुछ वक्त पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया और नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच गए। अगर मैं इसी तरह पीछे जाती तो यंग मास्टर का साथ नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर ब्रेक थ्रू कर लिया। यून फेन कहता है कि हम सब साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तुम्हें अपने साथियों के साथ इस तरह मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी साथी हो, भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन लो होगा पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए इन सब फालतू की चीजों को भूलकर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दिया करो। खैर, अब जब तुम दोनों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो हमें भी यूनवू आईलैंड से निकल जाना चाहिए। जियो लाओ के साथ वहाँ जाती है और यून फेन की सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है कि आप इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहते हैं, मगर मास्टर वुयान ने तो कहा था कि उनके आने तक आप यहीं रुकेंगे और उनके साथ मिलकर हारमोनी फ्लावर को ढूंढने के लिए जाएंगे। जब आपको हारनामी फ्लावर मिल जाए आप हारमोनी स्टेज में जा सकेंगे। यून फेन कहता है कि हारमोनी फ्लावर को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि मास्टर कब वापस आने वाले हैं। मेरे पेरेंट्स अभी भी कैद में हैं, इसीलिए हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तान तायु कहती है कि सारी फोर्सेस आप पर नजर रख रही है और आपके ट्रेजर को लूटने के बारे में सोच रही है। अगर इस वक्त आपने आइलैंड को छोड़ा तो मुझे डर है कि आपको जान खतरे में पड़ सकती है। यून फेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि सारी फोर्सेस मुझे मारने के बारे में सोच रही है, पर मैं उनसे नहीं डरता। मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। अगर मैं इतनी सी परेशानी से डर गया तो आखिरकार इमोर्टल पाथ पर आगे कैसे बढ़ूंगा। जियो लाओ कहते हैं कि अगर अब जब तुमने सब प्लान बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा, पर तुम्हें अलर्ट रहना होगा वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। ये बातें करते हुए सब वेली एंट्रेंस पर चले जाते हैं और सारी फोर्सेस भी वहां जाती है। एल्डर जिन सब लोगों से कहते हैं कि तुम सब लोगों ने अपने पावर का यूज करके हमारी वेली को बचाने में मदद की, इसके लिए मैं तुम्हें एक और बार थैंक्स कहना चाहता हूँ। खैर, अब मैं आउटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला हूँ, जिसकी मदद से तुम सब यहाँ से बाहर निकल सकोगे। यून लोंग यून फेन के पास आकर कहता कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, अगर तुम ड्रैगन क्लेन में आने के लिए तैयार हो तो हमारे एंसेस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। यून फेन कहता कि तुम मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो और मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि मैं एक सोलो कल्टीवेटर हूँ जो बिना किसी फोर्स या क्लेन के आगे बढ़ता है, इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ड्रैगन क्लेन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बात सुनकर यून लोग निराश हो जाता है। एल्डर जिंग आउटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। एक एक करके सब लोग आउटर फॉर्मेशन के अंदर जाने लगते हैं। जियो वो प्लेलिस के मेंबर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं, मगर यून फेन अपनी यिन यांग डिवाइन प्लेट की मदद से उन्हें रोक देता है। एक मेंबर अपने स्पीयर की मदद से डिवाइन प्लेट पर अटैक करने लगता है, पर डिवाइन प्लेट काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से वो मेंबर दूर जाकर गिरता है। यह देखकर लांजी घबरा जाती है और अपने आइस लोटस को एक्टिवेट कर लेती है। वो आइस लोटस के अंदर चली जाती है और अपने साथियों को भी आइस में फ्रीज कर देती है।
कहता है कि उन्हें चोट ना लगे, लेकिन यूनफेई लान जी और उसके दोनों साथियों को अपने पर्पल गोल्ड फर्नेस में एब्जो कर लेता है, जिससे यून लोग हैरान हो जाता है। चोयो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यूनफेई ने इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन रियल में के दो कल्टिवेटर्स को इतनी आसानी से कैद कर लिया। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो हमें भी कैद कर लेगा। ये कहकर ओडिंग यांग के पास वहाँ से चला जाता है। तो ओबा हुई कहते हैं कि यूनफेई हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है, बेहतर होगा कि अभी हम उस पर अटैक ना करें, वरना वो हमें भी कैद कर लेगा। ये कहकर तो ओबा यू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें देखकर जुआन भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। यूनफेई भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सब सीक्रेट रियल्म से बाहर आ जाते हैं। एल्डर गोंग सुन यूनफेई से कहते हैं कि बहुत सारे लोग तुम्हें मारने का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी वो सब हमें छिपकर देख रहे हैं, क्या तुमने उनसे बचने के बारे में कुछ सोचा? यूनफेई कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने उन सब लोगों को सबक सिखाने के बारे में सोच लिया और आपको फाइट के बीच में आने की जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर एल्डर गोंग सुन और मास्टर गोंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यू वांग माउंटेन, वे फैमिली और ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स वहाँ जाते हैं। यू वांग माउंटेन का मास्टर तोबा फो यूनफेई से कहता है कि तुमने मेरे लोगों को मारने की गलती की है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, मगर यूनफेई अपने ये न्यांग डिवाइन ब्लेड की मदद से उसकी एनर्जी को फेल कर देता है और अपने सिक्स आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने सोर्स लेश की मदद से तोबा फो की फिनिश को खत्म कर देता है। वे फैमिली की मास्टर वे किंग शुआन कहती है कि यूनफेई सिर्फ पर्पल मेशन रियल में है, पर फिर भी उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर है। वो वे वुया का स्टूडेंट है तो हम अपनी फैमिली के लिए उसका यूज करेंगे। तो ओबाफो यूनफेई से कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी मैंने अपनी 10% पावर का यूज किया, पर अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला हूँ, इसीलिए बचकर रहना। ये कहकर वो अपनी 9 इविल स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है। यूनफेई अपने सोर्स लेश से इविल स्पीड पर अटैक करता है, मगर इविल स्पीड उसके अटैक को फेल कर देती है और अपने ट्राइडेंट से अटैक करके गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से यूनफेई की हालत बिगड़ने लगती है। तो ओबाफो अपने मैजिकल हैंड की मदद से यूनफेई को पकड़ने लगता है। किंग शुआन उसे कहती है कि तुम मेरे सामने मेरी फैमिली के स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस की बात है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ड्रैगन क्लैन के मास्टर ओशुन कहते हैं कि यूनफेई हमारे ड्रैगन क्लैन का मेंबर बनने वाला है तो मैं भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। किंग शुआन और ओशुन दोनों अटैक करके तो ओबाफो के अटैक को फेल कर देते हैं। तो ओबाफो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी यूनफेई के ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ आए हो, तो आखिरकार तुम्हें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? पर अब जब तुमने मुझे रोक दिया तो तुम दोनों को मारना पड़ेगा। ये कहकर अपनी जॉइंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तियान जुआन होली लैंड के मास्टर जियो चेन घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन लोगों को यूनफेई का दाव फ्रूट नहीं लेने दे सकता। ये कहकर यूनफेई को अपने पर्पल गोल्ड डीमन रिफाइनिंग गॉड के अंदर एजो कर लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हुन युआन वैली के पेट्रियार्क की डिवाइन बॉडी वहां जाती है और जियो चेन का डीमन रिफाइनिंग गॉड डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से यूनफेई बाहर निकल जाता है और वो जियो चेन को अपने पर्पल गोल्ड फर्नेस में एजो कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पेट्रियार्क तोबाफो पर अटैक करने लगते हैं। तोबाफो अपने जॉइंट बॉडी से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर पेट्रियार्क आसानी से उसकी जॉइंट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर तोबाफो को पता चल जाता है कि पेट्रियार्क महायन रियल्म में है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगता है। पेट्रियार्क यू वांग माउंटेन के लोगों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो, तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए यूनफेई को परेशान किया, उसे मारने की कोशिश की, इसीलिए आज मैं तुम्हारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करके तुम्हें कैद कर दूंगा ताकि दूसरे लोग यूनफेई को परेशान ना कर सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।